नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स पे। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। भटूरे आपके फूले फूले बने, इसके लिए मैं आपको कुछ देने वाली हूँ टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा, दही, सूजी। अब मैदे को डालेंगे एक बड़े बर्तन में। इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी डालने से भटूरे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये मैंने सूजी ऐड कर दिया। अब इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच शुगर पाउडर। इससे भटूरा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आधी छोटी चम्मच डालेंगे कुकिंग सोडा। आधी चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, जिसका इस्तेमाल केक में किया जाता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। लोग कुकिंग सोडा तो डालते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर नहीं डालते। बेकिंग पाउडर डालने से जो भटूरा है बहुत ही फूले फूले सॉफ्ट से बहुत अच्छे बनते हैं और सूजी से क्रिस्पी बनता है। तो जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे बनाइए, आपके भटूरे बहुत ही अच्छे बनेंगे फूले फूले से। सारी चीज़ें मिल चुके हैं। अब इसमें डालना है दो चम्मच रिफाइन ऑयल। दो चम्मच रिफाइन ऑयल डाल दिया। अब इसको भी अच्छे से मिला देना है। इसे मसल मसल के अच्छे से मिलाइए। ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे कर्ड। इसे दही से गूंथना है। अब दही को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। दही से आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, लेकिन ये सख्त लग रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंथूंगी ताकि मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड, मैदे का सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसे गीले कपड़े से ढक करके 2 घंटे के लिए किसी गर्म स्थान पर रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी से तैयार हो जाए तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं। तो मैं इसे गीले कपड़े से ढक के धूप में रखूंगी 1 घंटे के लिए। इसको मैंने कपड़े से ढक दिया। इसके ऊपर रखूंगी एक थाली, ऐसे इसको धूप में रख दूंगी। तो भटूरे का जो आटा है बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा और जो इसमें सूजी पड़ी हुई है वो भी फूल जाएंगे और भटूरे बहुत अच्छे से फूले फूले बनेंगे। भटूरे का आटा मेरा तैयार हो रहा है, तब तक मैं छोले की तैयारी कर लेती हूँ। छोले बनाने के लिए मैंने लिया है काबली चना। इसको लगभग मैंने 5 से 6 घंटे तक भिगो लिया है। आप इसे रात भर के लिए भिगो कर छोड़ सकते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया जीरा, इलायची, दालचीनी एंड काली मिर्च, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्ची। तीखा आप अपने अनुसार रखिएगा, जितना आप तीखा खाते हों। सबसे पहले मैं चने को उबालूंगी। इसको मैं डालूंगी कुकर में। अब इसमें डालूंगी 1.5 गिलास पानी। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक और इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच सोडा। इसमें हल्दी अभी नहीं डालना है, नहीं तो ये रेड कलर का हो जाएगा। अब मैं इसकी लीड लगाऊंगी। अब मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 6 सीटी लगाना है। मेरे चने उबल रहे हैं, तब तक मैं इसके लिए मसाले तैयार कर लूँगी। तो मैंने जो प्याज टमाटर रखा है उसके छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी जार में डालकर मैं इसे पीस लेती हूँ।
प्याज मिर्ची को अलग पीसना है और टमाटर को अलग। प्याज को मैंने कट कर लिया है, अब इसमें डाल दूंगी लहसुन, दो मिर्ची, इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। लेट को लगाकर मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए प्याज मिर्ची लहसुन का अच्छा सा पेस्ट बन गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बॉल में। इसी तरीके से हम टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही पीस लेना है। ये देखिए मेरा टमाटर का भी अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल में। ये देखिए मेरी पहली सीटी आ चुकी है। इसी तरीके से मैं 5-6 सीटी लगाने वाली हूँ। ये जो मैंने प्याज लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया है, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिला दूंगी। मेरे मसाले तैयार हो चुके हैं। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे चने जल्दी से उबल जाए। देखिए मेरे चने बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। लगभग मैंने 5 सीटी लगाए हैं। 5 सीटी में बहुत अच्छा हो चुका है। अब मैं चलूँगी तड़का लगाने। तो इसके लिए मैंने रखा है एक कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे दालचीनी, इलायची, काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। जीरा को चटकने तक मसालों को भूनना है। खड़े मसाले भून चुके हैं। अब इसमें डालूंगी अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। मैं इसे ढक करके लगभग 4-5 मिनट के लिए भूनूंगी। देखिए लगभग मैंने 5 मिनट तक प्याज को भून लिया है। मेरे प्याज भून चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सूखे मसालों को। तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच छोले मसाले, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा कम लगता है। अब सारे मसालों को अच्छे से मिला लेना है। इसको भी लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है। मेरे सूखे मसाले भी भून चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी पीसी हुई टमाटर। इसको भी इसमें अच्छे से मिला लेना है। इसी के साथ इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसको भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। भटूरे के साथ खाने के लिए छोले बन रहे, थोड़ा स्पाइसी तो होना ही चाहिए ताकि खाने में बिल्कुल मज़ा आ जाए।
इसके साथ इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें हिसाब से ही डालना है, क्योंकि छोले उबालते समय भी मैंने नमक डाला था। तो इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच नमक। अब इसको मिला लिया, ढक करके इसको 2-3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी छोलों को, इसको मैं डाल दूंगी। अब मसाले में चने को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी, 1.5 से 2 गिलास डाल सकते हैं। मैं इसे 1 गिलास डाल के चला कर देखती हूँ कितना पतला हो रहा है। क्योंकि भटूरों के साथ थोड़े गाढ़े छोले ही अच्छे लगते हैं, ये ज़्यादा गाढ़े लग रहे हैं, तो इसमें मैं 1/2 गिलास और पानी डालूँगी। अब ये सही है। अब इसे ढक करके 1 उबाल आने तक पकाना है। चलिए हमने छोले को देख लेते हैं। ये देखिए मेरे छोले बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। मैंने गैस को कर दिया ऑफ, अब मैं इसे कर लेती हूँ सर्व। मेरे भटूरे के आटे भी तैयार हो चुके हैं, इसके बाद मैं भटूरों को तैयार करूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है इसमें से। ये देखिए मैंने छोले की गार्निशिंग कर ली है, मेरा बहुत अच्छा छोला तैयार हो गया है। अब मैं भटूरे फ्राई करने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे भटूरे के आटे भी तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको धूप में रखा था, इसलिए 1 घंटे में तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। देखिए अब इसके छोटे छोटे पेड़े लेंगे, पूड़ी से थोड़े बड़े पेड़े लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको छोटे भटूरे पसंद है तो आप छोटे ही बनाइए, मैं पूड़ी से थोड़े बड़े बनाने वाली हूँ। ये देखिए सूखे मैदे की हेल्प से इसे रोल करना है। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया, इसको मैं रखूँगी एक प्लेट में। ये देखिए कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए डालेंगे। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसे मैं गर्म होने देती हूँ, तब तक भटूरों को बेल लेती हूँ। ये देखिए मेरे दूसरे भटूरे भी तैयार हो गए, गरम हो चुका है। अब इसमें भटूरे को डालेंगे। इसको धीरे धीरे से प्रेस करना है और ऑयल को इस पर डालते रहना है। ये देखिए मेरे भटूरे कितने फूले से बने हैं, दोनों साइड से उलट पलट कर इसे अच्छा कलर आने तक सेक लेना है। देखिए मेरे भटूरे हो गए, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसी तरीके से सारे भटूरों को मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मेरे भटूरे कितने फूले फूले से बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके सारे भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए ये भटूरा भी मेरा तैयार हो गया, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए देखिए फ्रेंड, मेरे टेस्टी छोले भटूरे बनके बिल्कुल हो गए तैयार। आप भी इसे ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बना है। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।